जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में। दोस्तों, विशेषकर इस दिन स्नान करने की परंपरा और स्नान और दान करना इस दिन बहुत ही शुभ पुण्य फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा जो है वो प्राप्त होती है। इस दिन बहुत जगह देव दिवाली भी मनाई जाती है और माँ लक्ष्मी का पूजन दिवाली के समान ही इस दिन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो जीवन भर धन की वर्षा होती रहती है, माँ की असीम कृपा जीवन भर बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस दिन जो है स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर जो लोग स्नान नहीं कर सकते वो इस दिन कैसे करें, इसके लिए मैं आपको बहुत ही पवित्र मंत्र बताने वाली हूँ, जिसका जप करने से आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ को शेयर भी कीजिए और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान श्री हरि की कृपा जहाँ होती है वहीं पर स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपने कमेंट में जरूर से लिखना है जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई पवित्र नदियाँ वगैरह नहीं है, क्योंकि हर इंसान का तो रहना पॉसिबल नहीं है ना कि जहाँ पे नदी वहीं पे सब लोग रहें, तो ऐसे में क्या करें। दोस्तों, अगहन मास जो बहुत ही पवित्र मास माना जाता है और भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय महीना भी माना जाता है। और दोस्तों, पुराने समय से ही परंपरा चली आ रही कि इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस वजह से अमावस्या पर देश भर की सभी नदियों में स्नान के लिए बड़ी भीड़ पहुंच जाती है और काफ़ी लोग ऐसे में अमावस्या पर नदी में स्नान करना चाहते हैं लेकिन वे पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, और जो वृद्ध हैं या जो नदी पर नहीं जा सकते, जो नदी से, तो बहुत से कारण होते हैं नदी में स्नान नहीं कर पाने के, क्योंकि हल्की ठंड भी होती है तो बहुत से लोगों के लिए खुले में स्नान करना पॉसिबल भी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आप घर पर ही नदी स्नान का पुण्य प्राप्त करने वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सरल सा उपाय करना है इस दिन अमावस्या के दिन। और फ्रेंड्स, स्नान का जो समय होता है वो आपने ये देखना है, जिस समय में यानी कि सुबह के समय जिस दिन अमावस्या हो उस दिन स्नान का अधिक पुण्य मिलता है। इसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए कि अमावस्या तिथि में स्नान का समय क्या है। दोस्तों, नहाने के समय में आपने करना क्या, एक बाल्टी भर लेनी, जैसे पानी से जल से आप स्नान कर सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। उस पानी में आपने जो हल्की सी हल्दी मिला लेनी है और थोड़े से तिल डाल लेने हैं और कुशा, और इनमें से अगर तीनों चीज़ मिलती तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी एक चीज़ आपने जल में मिला लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों, आपने एक पवित्र मंत्र है वो मंत्र बोलते हुए स्नान करना है। मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये हमारी पुण्य नदियों के नाम है दोस्तों, उनका सुमिरन करने से जल में जो है उस नदियों के पवित्र पुण्य मिल जाते हैं। उस पुण्यदायी जल से स्नान करने से पाप करते हैं, ईश्वर की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। दोस्तों, इसमें हमारे सात पवित्र नदियों के नाम आते हैं और स्नान के समय इसका जप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, गंगा नदी जो है वो भगवान त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की फेवरेट है, इसीलिए एक ऐसा मंत्र है जो बोलने से तीनों त्रिदेवों की कृपा मिलती है। मंत्र है, ब्रह्म कुंडली विष्णु पादुत की जटा शंकरी भागीरथी जहानवी। ये नाम लेकर आपने स्नान करना है और दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपने जो है संकल्प लेके 11, 21 या 108 बार का संकल्प लेके आपने इस मंत्र का जाप करके स्नान करना है दोस्तों। और स्नान के बाद में आपने गायत्री मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास पूरे मास में ही गायत्री मंत्र का जप करना और सुमिरन करना और सुनना बहुत ही
पवित्र माना जाता है, इससे ईश्वर की कृपा जो प्राप्त होती है, घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो उसको कर ले, बहुत छोटा सा आसान सा उपाय। इसके लिए आपको किसी नदी पर जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने घर में ही तीर्थ होते हैं दोस्तों। मन और आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, तो पवित्र मन से आप इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद में आपने जो है गायत्री मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु श्रीहरि की पूजा बहुत मन से करनी है। माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना। और दोस्तों माघी अमावस्या के दिन सत्यनारायण कथा सुनने से बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति हो। घर की जो भी धन से संबंधित समस्याएं होती है वह दूर होती है, और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से दोस्तों घर के जो भी परेशानियां हैं वो दूर होके सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों श्री हरि को प्रसन्न करने से जीवन के सारे सांसारिक सुख जो प्राप्त होते हैं, तो आपने जरूर से कर लेना है ये काम। और साथ दोस्तों सत्यनारायण कथा को सुनने के लिए अमावस्या के समय के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में, जिसे भी आप जानते हैं, ने व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू इनके साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें जय श्री कृष्णा या फिर आपके फेवरेट या इष्ट देव का नाम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी पूजा कर्म करें आस्था और विश्वास के साथ करें, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए ना करें दोस्तों। मन और आस्था से ही पूजा कर्म जुड़े रहते हैं, तो पूरी आस्था के साथ आप ईश्वर के नाम का स्मरण करें। जय श्री कृष्णा।